तो हेलो गाइस, आज हम अपने गार्डन में देखते हैं मैंने जो कटिंग लगाया था रेनी सीजन में उसका कैसा अभी अपडेट है। ये मैंने रेनी सीजन में लगाया था, आप देख सकते हैं ये फिलोडेंड्रॉन का वैरायटी है। और भी मैंने कटिंग ये देख सकते हैं दोस्तों, ये सभी मैंने रेनी सीजन में लगाया था, काफ़ी सारे मैंने लगाए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी पोथोस की वैरायटी हैं। इससे मैंने दो और पॉप्स मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा है। और एक और भी है देख सकते हैं, ये सभी मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है। और ये मैंने लीव से बनाया था, दो प्लांट्स और थे लेकिन वो मैंने गिफ्ट दे दिया किसी को, देख सकते हैं। कुछ और भी लगाया है मैंने, अभी देख सकते हैं ये सभी पोथोस का ही वेराइटी है। मैंने ये सभी रेनी सीजन में लगाया था, इसका ग्रोथ देख सकते हैं आप। अगर हम मार्केट में जाते हैं तो ये एक प्लांट आपको 100 रुपीज़ 120 को मिलता है, लेकिन इसे मैंने अभी कटिंग से ग्रो किया है। बस एक ही प्लांट मैंने लाया था नर्सरी से, इसी में आप देख सकते हैं यहाँ पे मदर ऑफ थाउजेंड भी ग्रोथ कर रहा है, काफ़ी सारे मदर ऑफ थाउजेंड ऊपर से गिरते हैं इसमें आ जाते हैं। इसके मैंने 5 प्लांट्स लगाए, यहाँ पे देख सकते हैं। देख सकते हैं गाइस, इसका थोड़ा और ग्रोथ होगा तो मैं इसे बड़े इसमें ट्रांसफर कर दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये भी मैंने मल्टीप्लाई किया है पब से। ये वाला पोथोस भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है, देख सकते हैं। कभी भी प्लांट्स प्रोपोगेट कर रहे हैं तो इसे सिर्फ 1 हफ्ते आपको सेमी शेड में रखना है, उसके बाद आप सनलाइट में डायरेक्ट रख सकते हैं। उससे क्या होता है, अच्छे इसके लीव्स आते हैं और अच्छा ग्रोथ भी आता है इसमें। ये सभी मैंने आउटडोर ही रखा है, सब टेरेस पे। एक और भी है दोस्तों, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, गोल्डन पोथोस, ये देख सकते हैं कितना क्यूट सा लग रहा है, एकदम गोल्डन। ये छोटे से इसमें 2 इंच का 3 इंच का पॉट है, देख सकते हैं। दो और है दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब भी कटिंग से ग्रो हुआ है, इसके पत्ते थोड़े जलने के टाइप हो रहा है, देख सकते हैं। ये ज़्यादा पानी डाला तो बारिश काफ़ी हो रहा है इसीलिए ये ख़राब हो रहा है पत्ते। इसमें देखिए आप न्यू सूट्स आ रहे हैं अभी, देख सकते हैं यहाँ पे। ये सभी मैंने छोटे पॉट में लगाया है। यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों, ये सभी कटिंग से ग्रो हुआ है, ये भी मार्बल पोथोस है। ये बड़े पॉट में है लेकिन इसमें मैंने ज़्यादा कटिंग्स लगाए, इसमें से मैं और प्रोपोगेट कर लूँगा। ये कुछ 4 महीने का पौधा है, कटिंग से ओनली सिंगल लीव से प्रोपोगेट किया है मैंने इसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 मंथ्स का अपडेट है। ये मैंने ये फिलोडेंड्रन का वेराइटी, ये मनी प्लांट नहीं है, देख सकते हैं। इसमें दो वेराइटी का है और एक ये है, जैसा ये मैंने दिखाया था आपको, इसके अंदर दो कटिंग्स लगाया मैंने, अभी वो छोटा ही है। और ये एक पॉली बैग में लगाया था मैंने, छोटा सा पोथोस ही है। और भी मैंने कुछ लगाया है, आपको दिखाता हूँ मैं, ये सभी मैंने कटिंग से ही लगाया था। यहाँ पे देख सकते हैं ये स्नेक प्लांट जो कि मैंने यहाँ पे लीफ से लगाया था, लीफ से, ये सभी लीफ ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलियस का पौधा है, ये सभी कटिंग से लगाया, बस छोटे से एक बॉटल के इसमें लगाया मैंने, देख सकते हैं। यहाँ पे भी है, ये मैंने पॉली बैग में लगाया है। और भी दो है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ,
देख सकते हैं दोस्तों, इसमें तो फ्लावरिंग भी हो रहा है, काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये कोलियस का पौधा है, देखिए आप पॉली बैग में मैंने लगाया है इसे। इसमें क्या है, टाइम टू टाइम पानी आपको देना है, नहीं तो ये सूख जाता है। ये सब आउटडोर ही रखा है मैंने, इंडोर इसके पत्ते ग्रीनिश दिखता है थोड़ा, और लश देख सकते हैं, एकदम लश पिंक कलर का दिख रहा है, देख सकते हैं। इसे साइड में रख देते हैं, फिर दूसरा पौधे पे जाते हैं अभी। और मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी मैंने कटिंग से लगाया था, ये मैंने नेबर वाले अपने फ्रेंड से लिया था मैंने, ये मैंने कटिंग लाया था, ये भी लगाया है। जो भी कटिंग लगाता हूँ मैं सब टेरेस पे रखता हूँ, क्योंकि उसको सनलाइट भी लगता है। आप देख सकते हैं इसमें तुलसी भी आ गया, अभी और ये बुशी होगा, अब इसमें चार चार पांच ही पत्ते आए हैं एक इसमें, ये देख सकते हैं। ये भी मैंने कटिंग से लगाया, ये मेरे पास एक पहले से पौधा था, मैंने उसी में से कटिंग लगाया है जो अभी नीचे है। और ये देख सकते हैं अभी न्यू शूट्स आ रहे हैं इसमें, इसमें आप देख सकते हैं इसमें बथुआ आ रहा है छोटे छोटे, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आता है, एक मॉन्स्टेरा का वेराइटी है ये। इसे ज़्यादा ही, इसके रूट्स बहुत फैलते हैं, इसे जितने बड़े पॉट में लगाएंगे उतना अच्छा ग्रोथ करेगा। ये देख सकते हैं सर, देख सकते हैं दोस्तों, ये भी सब कटिंग से लगाया है। ये कोलियस का वैरायटी, इसमें फ्लावर्स नहीं आते, एक ऐसे ही वैरायटी रहता है उसमें पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं, ऑरेंज कलर का। ये मैंने कटिंग से काफ़ी सारे लगा दिया है, ये देख सकते हैं दोस्तों, स्ट्रिंग ऑफ आर्ट, इसे टर्टल वाइन आई थिंक सो कहा जाता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिख के भेजिए दोस्तों, देख सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये सभी मरवा का मैंने कटिंग लगाई रही है, मैंने कटिंग से लगाया है। ये भी है रोजमेरी, ये मरवा है, और भी मैंने लगाया है, अभी दिखा सकता हूँ आपको। देखिए ये मदर प्लांट है मरवा का, लेकिन मैंने इसी से कटिंग लगाया है, और यहाँ पर मैंने जेड प्लांट की भी कटिंग लगाया है, और ये फिलोडेंड्रॉन, एक वेराइटी है फिलोडेंड्रॉन का, इसे भी मैंने कटिंग लगाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सभी मैंने जेट के कटिंग लगाए हैं, देख सकते हैं दोस्तों, इतना सारा मेरा फ्री के पौधे आ गए, जो मैंने अपने मदर प्लांट से प्रोपोगेट किया था। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे नर्सरी ये खोल देना चाहिए। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ।